मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, कौन संभालेगा अध्यक्ष की जिम्मेदारी। सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव की शर्मनाक हार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुखिया कौन हो, अध्यक्ष के रूप में कौन ऐसा सक्षम व्यक्ति है जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस को फिर से चिंता कर सके। और इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद का भार लेने के बाद अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने की पहल करना थी, लेकिन उन्होंने नहीं की और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान दी जाती है तो वे मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस को चिंता कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो मंत्री भी इस बात से सहमत हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। महिला तथा बाल विकास मंत्री इमरती देवी और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी यह कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इमरती देवी ने तो यह भी कह दिया है कि अब समय आ गया है कि प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सिंधिया को सौंप दी जाए। इधर जीतू पटवारी ने भी कहा कि संगठन में बदलाव होना चाहिए, सिंधिया तेज तर्रार और आक्रामक हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाने से पार्टी को लाभ होगा। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिवपुरी से चुनाव हारने के बाद उनके पास वैसे भी संसद का तो कोई काम बचा नहीं है, ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि वो मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस को जिंदा करने का काम करे, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकायों के चुनाव भी होना है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण अब इस समय पूरी तरह से बदल गए हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव हार गए हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा से मिली है नकुलनाथ को। छिंदवाड़ा के कारण ही कांग्रेस की इज्जत बची है और अब यह कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस को नए सिरे से मध्य प्रदेश में जिंदा होना है तो युवा नेतृत्व के रूप में ज्योतिरादित्य को अध्यक्ष का भार दे दिया जाना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।